चलिए, तो आज हम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे, ठीक है। उनमें से एक ये जो आप पिक्चर देख रहे होंगे, उनमें से एक ही उसका पार्ट है, ठीक है। अभी नहीं देखते इसकी तरफ, जब ये आएगा तो तब देखेंगे इसकी तरफ। तो असल में हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है मैग्नेटिज्म, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर का बेस ही यही है कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपका मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। फिर हमने बोला था कि असल में आपका मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस कर सकता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इन सब चीज़ों के बीच में ना एक नया फिनोमेना आ जाता है, एक नई चीज़ आ जाती है जिसको हम बोलते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, वो चीज़ है आपका मोशन, ठीक है। मोशन बोलिए, फोर्स बोलिए, या फिर मैकेनिकल फोर्स बोलिए, ठीक है। ये वो चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए और इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो किस तरीके से वो देखते हैं, जैसे कि लेट से मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। उस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या करा, मैंने इलेक्ट्रिसिटी डाल दी। तो जैसी मैंने उस मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी डाली तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा मोशन। मतलब लेट से कि अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे, आज जो हम करने वाले हैं जो है आपका इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो काम करती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली कि आपका अगर मैग्नेटिक फील्ड है, कि लेट से मैंने ये दो मैग्नेट लिए हैं, ठीक है, ये मैंने दो मैग्नेट ले लिए। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड होगी इनकी, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैंने एक कोई भी ऐसा चीज़ डाल दी, लेट से मैंने एक वायर डाल दी जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है, तो ये वायर में क्या होगा, ये वायर में मोशन होगा। ये वायर हो सकता है ऐसे उल्टा, मतलब ऊपर की तरफ जाए, या हो सकता है नीचे की तरफ चली जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ मोशन प्रोवाइड करेगा अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डाल दें, तो आपको मोशन मिलेगा, ठीक है। ये बहुत सही प्रिंसिपल है, जो इलेक्ट्रिक मोटर अभी आप पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा आपको कि किस तरीके से वर्क करता है। वहीं अगर मैं लेट से मेरे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने मोशन कर दिया, ठीक है, मैंने मोशन कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये किस चीज़ का फिनोमिना है, ये किस चीज़ का प्रिंसिपल है, कि आपका कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये लेट से दो मैंने मैग्नेट रख दिया नॉर्थ साउथ, इनके बीच में जो फील्ड बनेगी वो मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब उसके अंदर मैंने कुछ भी चीज़ करी, मैंने क्या करा, यहाँ पे कोई खाली ले लिया, कोई भी चीज़ ऐसी खाली ले ली, ठीक है, इसको मैंने एक पहिए से कनेक्ट कर दिया, तो इसको मैं घुमा रहा हूँ, इसको मैं ऐसे ऐसे करके घुमा रहा हूँ, तो ये भी घूम रहा है। तो ये जब घूम रहा है तो मुझे क्या मिला, मैंने इसको एक बल्ब से भी कनेक्ट कर दिया साथ ही साथ, तो मैंने देखा कि जब ये घूम रहा है तो साथ साथ बल्ब भी ग्लो कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब ये घूम रहा है तो यहाँ पे जो वायर है, वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और वो इलेक्ट्रिसिटी आपके बल्ब पे जा रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेंगे, ठीक है। तो बेसिक आइडिया आपको समझाने का यही दो चीज़ें थी, कि असल में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है, उसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे तो आपको मिल जाएगा मोशन। मोशन बोलिए, फोर्स बोलिए, या फिर मैकेनिकल फोर्स बोलिए, आपके ऊपर है, ठीक है। और अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है और उसमें अगर आपने मोशन कर दिया तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, ठीक है। ये मेन चीज़ थी आज समझाने की। अब इसके बेसिस पे कि लेट से हमने जो अभी तक रूल्स करे, हमने कौन कौन से हैंड के अकॉर्डिंग हमने कौन कौन से रूल कर चुके, हम राइट हैंड थंब रूल कर चुके, ठीक है, जिसमें आपका राइट हैंड जो था उसमें थंब क्या रिप्रेजेंट करता था, थंब आपका रिप्रेजेंट करता था कि आपका करंट किस डायरेक्शन में, और जो कर्लिंग फिंगर्स के थ्रू आप बंद कर देते थे अपनी फिंगर्स को, उस वो रिप्रेजेंट करता था मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आपको एक नया रूल पढ़ना है, जो है आपका लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। तो ये इस चीज़ में ध्यान रखिएगा कि मैंने लेफ्ट हैंड मेंशन करा है, राइट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड के लिए, इसको हम लेफ्ट हैंड
लेफ्ट हैंड रूल भी बोलते हैं बेसिकली, लेफ्ट हैंड रूल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो अब मैंने स्पेशली मेंशन करा है लेफ्ट हैंड, ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि आपको मोशन निकालना है, ठीक है, ये वाली जब हम चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो इसके लिए आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल यूज़ करेंगे। पर आप जब ये वाली चीज़ कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को एक पर्टिकुलर चीज़ भी कहते हैं, वो हम बात की बात है, आपको पढ़ना है वो चीज़, ठीक है। जैसे आप इसमें इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे, इसमें आप जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जनरेटर वर्क करता है, ठीक है। आपको पता ही है कि जनरेटर कब चलता है, शादियों में जब भी आप गए होंगे कि लाइट अगर चली जाए तो जनरेटर ऑन कर देते हैं, ठीक है। जनरेटर का मेन फंक्शन क्या होता है कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होती है, वहाँ पर आप मोशन प्रोवाइड करते हैं, तो मोशन प्रोवाइड होने की वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे, बात की बात है, ठीक है। पर पहले मेन बात आपको ये समझनी है कि असल में जब हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं तो हम राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, ठीक है। तो दोनों को मिक्स मत करिएगा, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड में आप इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हैं तो आपके केस में कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, ठीक है। और जब आप मैग्नेटिक फील्ड जब हम वो पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि वो किस तरीके से काम करता है। अब लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है तो किस तरीके से काम करता है, देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है कि ये पूरा का पूरा आप अपना लेफ्ट हैंड समझ लीजिए, जिसमें से थंब, इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडल फिंगर, ये तीन फिंगर है जो इसमें पार्ट लेंगी, ठीक है। अब इनमें क्या है, इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि ये आपस में 90 डिग्री में हो। आप देख ही रहोगे कि असल में ये पूरा एक 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, साथ ही साथ ये पूरा एक 90 डिग्री बना रहा है, और इसको देखें तो ये भी आपस में 90 डिग्री बना रहा है, ये और ये आपस में 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो पूरा ये 90 डिग्री आपस में एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से याद रखना है कि भाई जो आपका थंब है, थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स बोलिए या फिर मोशन, ठीक है, मोशन को भी रिप्रेजेंट करता है, एक ही बात है मतलब दोनों का। और इंडेक्स फिंगर जो है, इंडेक्स फिंगर आपकी रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। वहीं आपकी मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है आपके करंट को। इसको बेस्ट वे जो मतलब याद करने का तरीका होता है कि आप इसको फोर्स से याद करिए, फोर्स मोशन एक ही चीज़ है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे दोनों का मतलब दूसरा है, आपने नाइन्थ में चैप्टर भी दोनों अलग अलग पढ़े थे, तो यहाँ पे ये मेन मतलब फोर्स का मोशन ही है, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे फोर्स से आपने लेट से याद करा तो फादर, मदर एंड चाइल्ड, ठीक है, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, F फॉर फोर्स एंड C फॉर चाइल्ड, करंट, ये आपका हो गया करंट, ठीक है। अब इसका हम यूज़ करेंगे, जो भी हम मतलब चीज़ें हम जब करेंगे तो उसका यूज़ हमारा आएगा। तो बेसिकली मैं लिख लेता हूँ कि जब आपका थंब जो होता है, थंब इसमें यूज़ होगा, आपका इंडेक्स फिंगर यूज़ होगी और आपकी मिडिल फिंगर यूज़ होगी, ठीक है। अब जो आपका थंब है तो थंब में ये देखिए आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स बोलिए, मोशन बोलिए या फिर मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। इंडेक्स फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर आपका करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, या तो इस तरीके से याद रखिए, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे तो बेस्ट वे है, मैं भी इसी तरीके से याद रखता हूँ, तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब इसका हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, जो हम अब करने वाले हैं, जो है आपका इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा बहुत ही फेमस, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है ये टॉपिक, मतलब इस टाइप के टॉपिक, जनरेटर के बारे में पढ़ना, फिर इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में कि किस तरीके से काम करती है ये चीज़ें, ठीक है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, वो है आपका इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। अब देखिए पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि राइट द प्रिंसिपल, राइट द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, राइट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो आपको नॉर्मल क्या करना है, आपको सिंपल जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, उसी चीज़ से रिलेट करना है और वही चीज़ लिखनी है, ठीक है। साथ साथ बताता रहूँगा कि भाई क्या चीज़ क्या है और क्या चीज़ क्या नहीं है, ठीक है। इसकी वर्किंग इस तरीके से देखेंगे, जिसमें आपका यूज़ आएगा आपका लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है। तो आपको मेरे साथ वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का वर्किंग भी देखनी पड़ेगी, ठीक है।
तो फिर सबसे पहले मोटर, मोटर सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? मोटर सुनते ही ये आता होगा कि जो आपकी मम्मी मोटर स्टार्ट करने के लिए कहती है कि भाई जैसे जाओ जो मोटर है उसे स्टार्ट कर दो ताकि कि पानी आपके जो टंकी है वहाँ तक भर जाए, ठीक है? तो बिल्कुल सही बात है, आपका यही होता है असल में मोटर। और मोटर का बेसिक रोल क्या होता है? मोटर का बेसिक रोल ये है कि आपकी मोटर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है? उस मैग्नेटिक फील्ड में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है? आपने जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, वहाँ पे मैग्नेट्स प्रेजेंट होते हैं, अब वहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास कर रहे हैं? जब आप स्विच ऑन करते हैं, जब आपकी मम्मी बोलती है ना कि भाई स्विच ऑन कर दो मोटर को, तो वो जैसे ही आप मोटर ऑन करते हैं तो क्या होता है, आपने बटन ऑन करा तो वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है? अब ये दोनों आपस में मिलके आपको क्या देते हैं? ये आपको देते हैं मोशन, ठीक है? मोशन बोलिए या फोर्स बोलिए, तो ये चीज़ आपको मिलती है। तो ये मोशन क्या करता है, ये मोशन क्या करता है कि जहाँ से भी, लेट से आपका पानी दिल्ली जल बोर्ड से आ रहा है, दिल्ली जल बोर्ड से आपका पानी आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये मोशन हेल्प करेगा इस पानी को कि पानी में मोशन आएगा और वो जो आपकी टंकी ऊपर पड़ी हुई है वहाँ तक ये पानी ले जाएगा, ठीक है? ये पानी का मोशन करवा रहा है, ठीक है? तो इसीलिए आपकी मोटर काम आती है कि जो भी पानी आपका कहीं से भी आ रहा है वो पूरा आपकी टंकी तक भर जाए, ठीक है? तो ये मेन काम होता है आपका मोटर का। आपने मोटर काफ़ी जगह सुना होगा, सबसे फेमस मूवी है, मतलब सबने ऑलमोस्ट देखी होगी, थ्री इडियट्स। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है राजू से कि भाई टेल मी दैट हाउ इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स, ठीक है? तो उसका आंसर तो वैसे सबको, आप में से सबको ही पता होगा कि आंसर क्या है, बट एक्चुअल आंसर वो नहीं है, ठीक है? इंडक्शन मोटर, खैर आपको इंडक्शन मोटर के बारे में नहीं पढ़ना, बट स्टिल आपको मोटर के बारे में पढ़ना है, तो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में आप पढ़िए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हैक्टिक लेके कुछ पढ़ना नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे तो बहुत ही ढंग से समझ आएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, बेसिक आइडिया आपको पता चल गया कि मोटर किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है? तो असल में जो मोटर है उसका मेन रोल क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो हम लिख लेते हैं कि वो एक तरीके से है क्या। तो एक मोटर एक काइंड ऑफ डिवाइस है, ठीक है? तो इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है आपका फोर्स या फिर मोशन, ठीक है? तो आपने देखा ही कि असल में आपने जब मोटर ऑन करी तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी गई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसकी वजह से आपका मोशन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक मोटर का मेन काम यही है कि वो एक काइंड ऑफ डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है? अब इसका कभी कभी पेपर में अगर सिर्फ आपको लेट से एक मार्क्स में आ गया या दो मार्क्स में आता है, तो दो मार्क्स में वो जनरली ये पूछते हैं कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर या फिर राइट द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, कुछ ऐसे करके पूछेंगे, ठीक है? जनरेटर ये नहीं है, जनरेटर जब हम करेंगे तो तब उसका प्रिंसिपल देखेंगे। तो अभी के लिए प्रिंसिपल जो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल है वो लिख लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है, तो किस प्रिंसिपल पे ये काम करती है। तो असल में इसका प्रिंसिपल है कि जो आपका पूरा, हम चलो ये लिखते हैं कि व्हेन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन अ मैकेनिकल फोर्स इज जनरेटेड विच रोटेट्स इट कॉन्टिन्यूसली, ठीक है? ये प्रिंसिपल लिखिए, नहीं तो आप एक और प्रिंसिपल लिख सकते हैं जो मैंने आपको समझाया है कि व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड
इट प्रोड्यूसेस मोशन और मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड देन द मोशन और मैकेनिकल फोर्स इज प्रोड्यूस्ड. ये भी आप लिख सकते हैं एज अ, असल में ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपके डायग्राम से रिलेट करेगा. अभी जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल वगैरह है ना, ये आप देखेंगे कि किस तरीके से क्या है. तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया. ये जनरली पूछ लिया जाता है कि 2 मार्क्स में लिख दीजिए. ठीक है, तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपका मन है. वैसे जनरली लोग इसे प्रेफर करेंगे क्योंकि ये छोटा है. ठीक है, तो जो भी आपका मन है वो आप लिख सकते हैं. ठीक है, अब इसके बाद जो आपको पता ही है कि असल में डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो मतलब आपकी फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप इसकी डायरेक्शन डिपिक्ट कर सकते हैं कि असल में फोर्स की क्या डायरेक्शन है, और उससे हम करेंगे बेसिकली. ठीक है, अब ये जनरली आपका या तो इलेक्ट्रिक मोटर है, तो या तो ये आ सकता है 2 मार्क्स में, जो कि आपको सिर्फ प्रिंसिपल पूछेगा, या फिर 1 मार्क्स में जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिंसिपल पूछेगा और ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशन. ठीक है, अब अगर ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आता है तब तो ठीक है, आपको पता चल गया किस तरीके से टैकल करना है. बट अगर ये 5 मार्क्स में आता है कि राइट द वर्किंग ऑफ, ठीक है, राइट वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, तो उस तरीके से आपको किस तरीके से करना है, तो वो अब हम करने जा रहे हैं. प्रिंसिपल तक आपको होपफुली क्लियर होगा. ठीक है, अब हम करते हैं कि बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर, कि किस तरीके से आपकी मोटर बनी हुई है. कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर, देखिए हो सकता है आपको पहली बारी में समझ ना आए, और ये बिल्कुल भी वैसी बात नहीं है कि, हाँ सही बात है कि अगर आपको पहली बारी में समझ नहीं आ रहा तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुझे भी पहली बारी में समझ नहीं आया था. बट जब मुझे समझ आया ना, तो लिटरली इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. ठीक है, और इस चीज़ को आप माइंड करिएगा कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाएगा. अगर आपको एक बार समझ आ गया ना, तो हो सकता है कि आप इसे भूले भी ना, तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. तो एक बार इसे समझ लेना थोड़ा ढंग से, और अटेंशन दे लेना यहाँ पे ध्यान से. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लेट से हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करनी है. तो ये मैंने परमानेंट मैग्नेट ले लिया जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ. ठीक है, ये मैंने परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे लगा दी, जिसमें से ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है. ठीक है, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर कॉइल लगा रहा हूँ. जो मैंने ऊपर लिखा था ना, वही रेक्टेंगुलर कॉइल मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ. ठीक है, अब वो रेक्टेंगुलर कॉइल मैंने लगाई, तो नीचे नीचे ये गई रेक्टेंगुलर कॉइल. यहाँ पे आपके लगे होते हैं स्प्लिट रिंग्स, जो आप पढ़ेंगे अभी मैं बताऊँगा कि इनका क्या काम होता है. ठीक है, ये आपके होते हैं स्प्लिट रिंग्स. ठीक है, यहाँ से ये आपका करंट, यहाँ से हमें करंट भी तो प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ से बैटरी से कनेक्टेड होंगे. ठीक है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है. ये बेसिकली हम डीसी मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं. जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर है वो आपकी डीसी मोटर है, जिसमें बैटरी कनेक्टेड है. ठीक है, और जब भी आप कुछ ऐसा सोर्स देखें ना बैटरी के अलावा, वो मतलब आपका एसी मोटर है. एसी मोटर आपकी कौन सी होती है? इंडक्शन मोटर. उस इंडक्शन मोटर को ही आप एसी मोटर कहते हैं. जो आप स्विच ऑन करते हैं ना, वो काइंड ऑफ एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, तो इसीलिए मतलब ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है. नॉर्मल एक काइंड ऑफ फैक्ट बता रहा हूँ कि जो आप यूज़ कर रहे हैं मोटर, जो बेसिकली आपके पानी चढ़ाने के लिए यूज़ होती है, वो आपकी इंडक्शन मोटर यूज़ होती है. ठीक है, इंडक्शन मोटर क्यों यूज़ होती है? इसलिए यूज़ होती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक मोटर. ठीक है, तो इसीलिए आपकी इंडक्शन मोटर यूज़ होती है. तो आपकी जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो नॉर्मली हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडक्शन मोटर आप पढ़ नहीं सकते अभी इतना ज़्यादा, मतलब सिलेबस अगर कर देंगे तो कैसा होगा. तो इंडक्शन मोटर आपका आता है, अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं मैकेनिकल, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा.
कि असल में इलेक्ट्रिक मोटर किस तरीके से सॉरी इंडक्शन मोटर किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो ये अब देखिए करंट किस तरीके से जाएगा, करंट यहाँ से पॉजिटिव से निकलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, देन इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर एंड देन इधर एंड इधर से वापस इधर। ठीक है, तो ये करंट का फ्लो हमने बना लिया। अब ये होती है आपकी स्प्लिट रिंग्स और यहीं पर आपके अटैच्ड होते हैं आपके ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये आपके ब्रशेस कनेक्टेड होते हैं, ये आपके ब्रशेस हैं कार्बन ब्रशेस। सबका फंक्शन देखेंगे क्या मतलब होता है, ये है आपके कार्बन ब्रशेस। ठीक है, ये है आपकी स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि ये मैग्नेट्स है। ठीक है, और ये आपका है रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका बेसिक सेटअप है और ये तो आपको पता ही है क्या है, ये सेल। ठीक है, तो ये आपका सेल है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, लेट से मैं यहाँ पे अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, नॉर्थ से जाएगी और साउथ में, मतलब नॉर्थ से स्टार्ट होगी और साउथ में जाके रुकती है। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना दी। ठीक है, इस तरीके से ही जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे आपका करंट जा रहा है। तो क्या एक्सपेक्टेड है आपको, मिलेगा क्या आपको, मिलेगा मोशन। ठीक है, और वही मेन आपका प्रिंसिपल है कंस्ट्रक्शन ऑफ मोशन का, मोटर का। ठीक है, तो ये आपने बेसिकली ये इसका कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब एक बार करके हम ये देख लेते हैं कि इन का जैसे स्प्लिट रिंग्स है, कार्बन ब्रशेज है, इनका काम क्या होता है, उसके बाद हम वर्किंग देखेंगे कि किस तरीके से ये काम कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि आपकी जो स्प्लिट रिंग्स है, स्प्लिट रिंग्स, अच्छा स्प्लिट रिंग्स का एक और नाम होता है जिसको हम कम्यूटेटर बोलते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर भी बोलते हैं इसे। तो स्प्लिट रिंग्स होता क्या है, एक बार लिख लेते हैं कि भाई अगर आपको बाय चांस कम्यूटेटर स्प्लिट रिंग्स आ जाता है कि डिफाइन करिए क्या करती है, तो वो एक तरीके से डिवाइस है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ डिवाइस विच इज यूज्ड टू रिवर्स the direction of the current through the circuit। ठीक है, तो ये बेसिकली काम होता है कि असल में स्प्लिट रिंग्स क्या करती है, आपका जो करंट है कि लेट से अभी करंट कैसे जा रहा है, अभी करंट इस तरीके से जा रहा है, पॉजिटिव से यहाँ जा रहा है, मतलब इस तरीके से जा रहा है। तो स्प्लिट रिंग क्या करेंगी, स्प्लिट रिंग आपकी जैसी वो एक टर्न ले लेगी तो स्प्लिट रिंग आपका कन्वर्ट कर देती है, मतलब रिवर्स कर देती है करंट को, कि अभी ऐसे जा रहा है तो अभी ऐसे जाने लग जाएगा। ठीक है, अभी जब ऐसे ऐसे जा रहा है तो स्प्लिट रिंग एक टर्न के बाद इसे कन्वर्ट कर देगी तो वह ऐसे ऐसे जाने लगेगा। ठीक है, बेसिकली इसका ये काम होता है। और देखेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है इसका, ऐसे रिवर्स हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, वो जब वर्किंग देखेंगे तो देखेंगे। फिर कार्बन ब्रशेस का क्या काम होता है, कार्बन ब्रशेस का इतना कोई काम नहीं है, सिंपल इट प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ करंट टू द स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग में कॉन्टिन्यूस करंट फ्लो होता रहे, तो बेसिकली यही उसका काम है कि कार्बन ब्रशेस आपका यही काम करते हैं। ठीक है, अब आती है आपकी मेन जो काम है वर्किंग। ठीक है, और ये वर्किंग आपको खुद लिखनी है इन पॉइंट्स, ऐसे ऐसे पॉइंट्स में आप खुद लिखेंगे, मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा पॉइंट्स में और मैं चेक कर लूँगा कि आपकी सही है नहीं, क्योंकि एट लास्ट अगर मैं खुद लिखवाता हूँ तो आप याद तो करेंगे नहीं, तो बेहतर यही है कि आप अपने अकॉर्डिंग लिखें, ताकि कि अगर वो सही होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो थोड़ा बहुत एडिटिंग हम कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए किस तरीके से मोटर आपकी काम करती है। अब आता है मेन पार्ट आपका, तो यहाँ पे समझिए ध्यान से कि आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड इधर इधर जा रही है, आपका एक करंट है, करंट यहाँ से ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है,
तो लेट से मैं इसको नाम दे देता हूँ कि ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया, ठीक है। मैंने इसे ए बी सी रेक्टेंगुलर कॉइल को ए बी सी डी नाम दे दिया। अब क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो जो उसी डायरेक्शन में होता है ना, कि लेट से करंट की डायरेक्शन और आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर सेम है तो आपका मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बट अगर आपस में 90 डिग्री है या कोई भी एंगल पे है तो आपका मोशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बी सी जो है और ए डी जो है इनका सेम डायरेक्शन है, ठीक है, तो इस वजह से इनमें मोशन प्रोड्यूस नहीं होने वाला, इनमें मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो मोशन किस में प्रोड्यूस होगा, मोशन होगा ए बी में और सी डी में, तो इनमें हम मोशन प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो सब पहले अपने लेफ्ट हैंड ले लीजिए और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जैसा उसका स्ट्रक्चर बनता है उस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बना लीजिए। अब आपको पता है थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, थंब रिप्रेजेंट करता है आपका फोर्स, फोर्स मतलब मोशन, तो ये तो आपको निकालना है, तो इसके ऊपर आपको माइंड नहीं करना। फिर आपकी इंडेक्स फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है, इंडेक्स फिंगर आपको रिप्रेजेंट करती है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड आप देख लीजिए कहाँ पर है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इस डायरेक्शन में अपनी इंडेक्स फिंगर रखी है, तो इस डायरेक्शन में आपने अपनी इंडेक्स फिंगर रख दी। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि आपको इलेक्ट्रिक करंट भी देखना है, तो जो आपका मिडिल फिंगर है वो आपकी इलेक्ट्रिक करंट बताती है, तो जब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको इसी डायरेक्शन में रखिए, मतलब इंडेक्स फिंगर को इसी डायरेक्शन में रखिए, और जो आपने मैग्नेटिक फील्ड रखी, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट की अभी आपने डायरेक्शन इधर की तरफ रख रखी होगी, मतलब अपनी तरफ रख रखी होगी, ठीक है, तो उसे स्क्रीन की तरफ कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी ओवरऑल की, ये आपकी डायरेक्शन है जो आपका चल रहा है, मतलब एक सेकेंड, ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी वो वाली जिसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब आपका इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रेट जा रहा है, तो वो आपकी मिडिल फिंगर स्ट्रेट हो गई, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है जो आपने इंडेक्स फिंगर रखी हुई है। तो जब आप देखेंगे तो मोशन मतलब आपकी थंब की जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी, मतलब कायदे से देखें तो जो आपकी मोशन है, मतलब कायदे से जो इस ए बी जो है, ए बी जो स्ट्रीम है उसका जो मोशन हो रहा है वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब ऐसे समझिए, इसको विजुअलाइज कर लीजिए 3D में कुछ देर के लिए, कि यहाँ पे जब आपका ए बी में करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो मोशन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से 3D में थोड़ा सा इमेजिन करिए। अब वैसे ही इसके साथ करिए, तो इसके साथ क्या है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इंडेक्स फिंगर को इस डायरेक्शन में रखिए। अब आपकी वो जो है, क्या बोलते हैं, आपके जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस डायरेक्शन में, वो आपके इस डायरेक्शन में, जो आपकी डायरेक्शन है, ठीक है, तो उस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट है, तो आप देखेंगे जो आपकी मोशन हो रहा है वो मोशन कहाँ हो रहा है, मोशन है आपका अपवर्ड्स, ठीक है, तो वो भी इस तरीके से घूमेगा। तो जब इसका अपवर्ड मोशन है, इसका डाउनवर्ड मोशन है, तो क्या होगा, तो ये ट्विस्ट हो जाएगा बाय 180, ठीक है, तो इसने मोशन कर लिया बाय 180। अब देखिए क्या होगा, आपके पास क्या मिल गया है आपको, तो अभी के लिए ऐसा था, तो जैसे ही हमने मतलब मोशन करवाया तो आपका पूरा का पूरा, अभी मैं नीचे का वीचे का कुछ नहीं बना रहा हूँ, तो जब आपका रिवर्स हो गया, मतलब ये आपका सी डी इधर आ जाएगा और ए बी आपका इधर रहेगा, ठीक है, तो ये आपका रहा, ये आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, और इसमें करंट कैसे जा रहा था, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें अपवर्ड, और इसमें तो यूज़ हो नहीं रहा, इसमें तो करंट आपका, मतलब इसमें तो मोशन होगा नहीं, ठीक है। तो अब आप अगर वापस लगाएंगे तो ये आपका वापस अपवर्ड शो करेगा और ये आपका वापस डाउनवर्ड शो करेगा, जब आप देखेंगे, ठीक है, तो ये वापस फिर 180 से रोटेट, मतलब ये इधर की तरफ हो जाएगा, कि ये वापस फिर ए बी आ जाएगा, बट हमें ऐसा नहीं कराना, हमें क्या करना है, हमें इसे 360 मूव करवाना है, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक आता है कि अगर आप सिंपल, अगर आप स्प्लिट रिंग यूज़ नहीं करते तो ये किस तरीके से चलेगा, ये जैसे इस तरीके से चलेगा कि सबसे पहले यहाँ ए बी है, तो ए बी पहले यहाँ आ गया, फिर सी डी यहाँ आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये वापस ए बी उठ के यहाँ आ जाएगा और ये सी डी यहाँ आ जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे चलता रहेगा, बट हमें ऐसे नहीं चलवाना, हमें कैसे चलवाना है, हमें 360 से रोटेट करवाना है, ठीक है, 360 डिग्री से। अभी कैसे रोटेट कर रहा है वो, अभी रोटेट कर रहा है बाय 180 डिग्री,
ठीक है। तो हमें जब 360 से रोटेट करवाना है तो हमें डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब अभी देखिए सीडी का जो करंट है, अगर हम इसकी जगह अपवर्ड कर देते तो इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाता, जिसकी वजह से ये वापस नीचे जाती, और इसका डायरेक्शन अपवर्ड हो जाता अगर ये डाउनवर्ड कर देते हैं हम रिवर्स ऑफ करंट। तो यहाँ पे काम आता है आपका स्प्लिट रिंग्स, ठीक है। तो अब समझ आया होगा आपको कि असल में स्प्लिट रिंग का क्या काम है। स्प्लिट रिंग नॉर्मल क्या करेगी कि लेट से हम स्प्लिट रिंग के साथ इसे काम करते हैं, तो सबसे पहले ऐसे चल रहा है, तो ये आपने रोटेट करा, इसके अकॉर्डिंग मोशन नीचे की तरफ है, इसके अकॉर्डिंग मोशन अपवर्ड की तरफ है, तो ये घूम गया बाय 180, तो आपको मिल गया जो रिजल्ट मिला वो मिला सी डी यहाँ मिल गया आपको और बी ए यहाँ मिल गया, ठीक है। अब स्प्लिट रिंग ने क्या करा, स्प्लिट रिंग में जब आपका करंट ऐसे फ्लो हो रहा था इन दोनों में, ठीक है, और जब ये रोटेट हुए तो भी करंट ऐसे फ्लो होगा, चेंज तो होगा नहीं करंट, तो स्प्लिट रिंग ने क्या करा, स्प्लिट रिंग ने करंट की डायरेक्शन ही चेंज कर दी, मतलब इसकी डायरेक्शन अपवर्ड कर दी और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड कर दी। अब आपने अपवर्ड के लिए निकाला था, अपवर्ड जब जा रहा है करंट तो आपका नीचे जा रहा है, तो ये आपका नीचे जाएगा और ये आपका वापस ऊपर जाएगा, तो ये फिर से आपका 360 डिग्री से रोटेट हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सिंपल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ये आपका 360 डिग्री से रोटेट कर गया, तो ये आपको बेनिफिट मिल गया स्प्लिट रिंग्स का, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आपका स्प्लिट रिंग काम कर रही है और किस तरीके से आपका ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमने किस तरीके से डायरेक्शन निकाली, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से क्या क्या डाउट आपको हो रहा है, और पर्सनली मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्किंग है, फिर वर्किंग आपको खुद लिखनी है। अब बात आती है वर्किंग, जब आप लिख लेंगे तो वो हम चेक वेक कर लेंगे, अगर आपकी सही होती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती है तो थोड़ा बहुत एडिट कर लेंगे। तो अब बात आती है कि असल में अगर आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है तो क्या हम उस इलेक्ट्रिक मोटर की पावर जो है उस पावर को एनहांस कर सकते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए अगर पेपर में आता है ना फाइव मार्क के क्वेश्चन में, तो सिंपल आपको यहाँ से लिखना चालू करना है, ये पूरा पूरा आपको लिखना है वर्किंग तक, यहाँ पे आपको ख़त्म कर देना है फाइव मार्क्स का अगर आता है, ठीक है। और यही आपको जनरली पूछा जाता है कि राइट द कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मोटर, राइट द प्रिंसिपल एंड द राइट द वर्किंग ऑफ द मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। तो यहाँ से जब आप लिखेंगे तो पूरे आपको फाइव मार्क्स मिलेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है वर्किंग तक, ठीक है। और जो मैं एनहांसिंग ऑफ द मोटर कह रहा हूँ, ये अलग से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आ जाता है, वैसे जनरली पूछा नहीं जाता। तो आप इसको इस तरीके से लिएगा कि भाई जो अगर हमें मोटर हमें दे रखी है तो क्या हम उसकी पावर को एनहांस कर सकते हैं, उसको और बढ़ा सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो वही हमें पढ़ना है कि एनहांसिंग द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, कि आपको इलेक्ट्रिक मोटर दे रखी है तो आप उसकी पावर को कैसे एनहांस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, आपने क्या यूज़ करा है, आपने परमानेंट मैग्नेट्स यूज़ करे, मतलब परमानेंट मैग्नेट जैसे बार मैग्नेट आपका एक परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, उस तरीके के आपने मैग्नेट यूज़ करे, हॉर्स शू मैग्नेट है आपका एक परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, तो ये आपके परमानेंट मैग्नेट है। बट अगर हम इनकी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ये होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट की सोलोनॉइड है, सोलोनॉइड के अंदर यहाँ से करंट पास हो रहा है और यहाँ पे आपने सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया, तो ये आपका बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो अगर आप इनकी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करें, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट है, तो हो सकता है आपकी पावर एनहांस हो जाए, ठीक है। तो यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंस्टेड ऑफ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि असल में जो आपका लूप है, आप ये जो लूप देख रहे हैं ये आपका सिंगल लूप है, ठीक है, और अगर हम इसे नंबर ऑफ टर्न्स बना दें इसके, ठीक है, अगर हम इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स बना दें, जिसको हम आर्मेचर कॉइल भी कहते हैं, आर्मेचर कॉइल ये होती है कि जिसमें आपके नंबर ऑफ टर्न्स बड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो आपका जो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिक मोटर है उसकी पावर एनहांस हो सकती है, ठीक है। तो यूज़ और बिल्ड कह सकते हैं हम प्रॉपर तरीके से बोले तो, बिल्ड लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इंस्टेड ऑफ अ सिंगल कॉइल, कि वो जो आपने सिंगल कॉइल यूज़ करी है ना, जैसे ये स्ट्रेट आपने एक सिंगल कॉइल यूज़ करी हुई है, तो इसकी जगह अगर हम ऐसे कॉइल्ड वाली जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हो उसको अगर यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा,
ठीक है। थर्ड हम ये यूज कर सकते हैं कि वो जो आपकी आर्मेचर कॉइल है, वो जो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स वाली जो कॉइल होती है उसे हम आर्मेचर कॉइल बोलते हैं, ठीक है, आर्मेचर कॉइल, ठीक है। तो आर्मेचर कॉइल में हम क्या कर सकते हैं, उसको हम उसके अंदर अगर जो आपकी ऐसे ऐसे अगर है तो उसके अंदर हम सॉफ्ट आयरन कोर घुसा दो, तो उससे क्या होगा, और ज़्यादा एनहांस हो जाएगा, ठीक है। तो आर्मेचर कॉइल इज वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। ये आपका हो गया आर्मेचर कॉइल, ये आपके तीन हो गए कि आप इन तीन तरीकों से आप एनहांस कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे, इतना ही आप डाइजेस्ट कर ले तो बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। तो होमवर्क आपके लिए रिवाइज आप ढंग से करेंगे, इसको रिपीट करेंगे, ठीक है, और दो बार लिखेंगे, ठीक है, दो बार लिखेंगे अपने आप खुद, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट होता है तो मेरे से पूछ लीजिएगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो के लिए बस।